तो संगत जी अगला जो शब्द है वो उच्चारण पक्षी, और ये पहले इन तुकों की गल हो भी गई सी, परंतु फिर संगत विचों सानू पूछा गया कि जिहड़ी ये तुक है तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इहदा शुद्ध उच्चारण की है। तो सजवीर सिंह जी ने यह विषय निभाया सी, अज भी मैं उन्होंने बेनती करांगा बई ये क्योंकि दोबारा सवाल आया तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इहदा शुद्ध उच्चारण किवें है ते क्यों है, वो कृपा करके साझा करो जी सजवीर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। इस सवाल का जवाब देने तो पहला अपना हाहे अखर के उच्चारण बारे सांझ पा लीए। सवाल है जी, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मुलंत जम त्रास मटाई, इस ते का उच्चारण किवें करना है। नियम यह है जी, जेकर किसी शब्द विच हाहे अखर हाहा अखर मुक्ता होवे अते उस तो पहले अखर नू सियारी लगी होवे तां हाहे तो पहले अखर नू लां लगा के उच्चारण किया जाता है। हाँ, जेकर हाहे अखर की थां कोई होर अखर होवे अते उस तो पहले अखर नू सियारी लगी होवे तां सियारी का उच्चारण सियारी नाल ही होवेगा। जिमें दिन, सिख, किताब, मिलाप आदि, इन्हां दे विच सारिआं दे अखर नाल सियारी लगी हुई है, पहले अखर नूं इह सियारी ही बोली जाएगी, ला नहीं बोली जानी। तां गुरबाणी विच ते अते जे शब्द बहुत वारी आए हन, जिमें दुख दुख दर्द तै नानक नसै, इह 179 अंक दे उपर गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, हे नानक उसकी पीड़ अते गम दूर हो जाते हैं। इहदे विच ते जिहड़ा अखर हैगा तत्ते नूं सिहारी हाहा मुक्ता हैगा, इहनूं आपां ते शब्द बोलांगे, उत्ते बिंदी ला के ते उचारण नहीं करना, ते उचारण होएगा। इस तरह जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध, इहदा उचारण भी ते होएगा, तत्ते नूं सिहारी हाहा। अगे होर पंक्ति है, जन्म मरण ते मुले नाही, ए या ते लिखा होया तत्ते नूं सिहारी हाहा मुक्ता लिखा होया, ते जन्म मरण तो वह असलों मुक्त हन जी, इसे ते दा अर्थ हैगा ओ जी। ते आवन जाना ते मिटै नानक जे मन सोए, इत्थे भी ते अते जे इसे दुने शब्द आए ने, जे भी आया होया ते भी आया है, तत्ते नूं सिहारी हाहा जजे नूं सिहारी हाहा, इत्थे भी दोहां दा उचारण ते अते जे होवेगा। दुख सुख ए वादे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, इत्थे भी जे ते इहनूं जे ते उचारण होएगा। हुण जो पंक्ति जी जी बोली है वह है, एक उत्तम पंक्त सुनियो गुर संगत ते मलंत जम त्रास मिटाई, इत्थे भी तत्ते नूं सिहारी हाहा हैगा, इत्थे भी आपां उचारण ते करांगे, अर्थ बन गए असीं सतगुरु दी संगत वाला एक उच्चा राह सुनिया है। ये भाई भट्ट कीर्त जी कह रहे ने, असीं सतगुरु जी दी संगत वाला एक उच्चा राह सुनिया है, जिस विच मिल के असां जमा दा डर मिटा लिया है, इस विच जिहड़ा ते है इहदा उचारण ते होएगा। लिखिया होया तत्ते नूं सिहारी हाहा मुक्ता जी, कई बारी तत्ते नूं सिहारी हाहे नूं भी सिहारी लगी हुंदी है जी, ते इस दा उचारण भी ते ही होवेगा। हाहे नूं सिहारी कारकी अर्थ दिंदी है, इस दा उचारण नहीं हुंदा। जिवें दुख अंदो नाही तै ठौ, इत्थे ते जिहड़ा अखर है तत्ते नूं सिहारी हाहे नूं भी सिहारी हैगी है, इत्थे हाहे नूं सिहारी नहीं बोली जानी, इहदा उचारण भी ते ही होवेगा जी। हाहे अखर दे उच्चारण बारे लगभग 37 नियम हन, सानू सिख मिशनरी कॉलेज दी गुरबाणी दा शुद्ध उच्चारण किताब अते होर विद्वानां दीआं किताबां लै के पढ़नियां चाहीदियां हन, तां कि असीं गुरबाणी दे शुद्ध उच्चारण बारे वध तों वध जानकारी हासिल कर सकीए। इतनी जे बेनती प्रवान करना जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
संगत जी, हाहे दे उच्चारण बारे अज साडी कौम विच काफी वक् वक् विचारां जड़ियां रखियां जा रही। खास करके जे हाहे नूं अंकड़ हुंदी है, अखीर ते हाहा होवे, अंकड़ होवे तां उह तकरीबन उहनूं होड़ा करके बुलाया जांदा। जदकि गुरबाणी व्याकरण दे नियमां अनुसार इंज हर एक थां ते अंकड़ नूं होड़ा नहीं बनाया जा सकदा। पर इहदा मतलब है वी कन्फ्यूजन बहुत है। और दूजी गल यह है कि जे किसी नाल कोई गल भी की जाए तो जिते किसी की सूई टिकी है वह कहते नहीं जी यही ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब दुविधा का कारण है। सतगुरु कृपा करे भी सानू इन्नी समत दे कि असी सारे जी गल सही है, जी व्याकरण नियमों के उतरती ठीक है, जी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ठीक हो रही हो, जिसे वर्तन के नाल सानू अर्थ बहुत ज़्यादा स्पष्ट होंगे ने, सानू प्रवान कर लेनी चाहिए। खैर इस तरह तत्ता मुक्ता ते हाहा मुक्ता ते तत्ते नुशहरी ते हाहा मुक्ता, जिवें वीर जी ने तत्ते नुशहरी ते हाहा मुक्ता की गल सुनाई है। आम तौर पर इन्हों दोनों चाहे तत्ता मुक्ता हो चाहे तत्ते नुशहरी हो, बहुत ही बारी असं हूँ भी देख सकते हैं कि पढ़ने वाली संगत जड़ी है या कीर्तनी संगत तह ही पढ़ते हैं, जबकि हुण दे जिहड़े अजोके विद्वान जिस तरह ज्ञानी जगतार सिंह जी जाचक, भाई साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले, उन्हों का विचार यह है कि जे तत्ता हाहा जिवें आया है, हाहा मुक्ता है, तो वह कहते अद्धा कन्ना लगा के ताह करके बोलो ताम जा। और जे आप इनू करके देखिए, पाठ करके भी देखिए तो काफ़ी स्पष्ट है, पर क्योंकि यदा अजे अधिकारित तौर पर कोई फैसला नहीं होया तो असं यह नहीं कह सकते। पर हाँ उंज यह है कि जिस वेले असीं पाठ करते हैं, जिस वेले जजा हा इहनूं जहन दी थां ते जहां बोलिया जाए तो अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। संगत ते यह अपनी मर्जी है जी कि आपां किवें करना है, परंतु वह दिन आना चाहिए जल्दी जबकि सारिया इहो जिहियां चीज़ां का समझौता हो के, समझौते तो भाव यह है कि एक सारता हो के वह जिहड़ा सिख पंथ विच लागू होवे। सतजगीर सिंह जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तुसां पहले भी हाहे अखर ते सानू दो तीन बारी समझाया, परंतु वाकई हाहे अखर की जिस वे गल आती है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जड़े ने वो पैदा हो रहे हैं और होंगे, पहले भी होंगे रहे, हूँ भी हो रहे हैं। तो सतजगीर सिंह जी बड़ी मेहनत के नाल पिछे ये विषय नभाया सी, और उस तो बाद इन्हों की जी पूरी लिखत है वो आप ग्रुप चैट में अपने ग्रुप में जी है वह भी साझी की। तो मेरी संगत को बेनती है क्योंकि हाहा लफज जोड़ा है ये सानूं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आओ थोड़ा जा उचेचा टाइम दे के वीरजीत सिंह जी जिहड़ी मेहनत की है वो अपने ग्रुप दे विच पई हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी उन्हां दी मेहनत करके राइटिंग है, आपां उहनूं पढ़ के तो उहदा लाहा लै सकदे। मैं भी कुछ होर जिहड़े सज्जन लिखते रहिंदे ने ते उह उहदे बोलते रहिंदे ने, मैं उहनां नूं भी इहनां दे जिहड़े हाहे उचारण वाली डिटेल है उहनां नूं भेजी है, बेनती नाल कीती है जे तुसीं कृपा करके इहनूं पढ़ लो ते घट्टो घट्ट उचारण जिहड़ा शुद्ध हो जाए, क्योंकि तुहाडा यूट्यूब ते उचारण कीता है पता नहीं किन्ने की संगतां सुन गईआं। तो खैर मैं आप जी का समां लै रहा, तुहानूं आप जी क्षमा करना। जगीर सिंह जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।